नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिब्बे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार पदयात्राएं करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान मंत्री पटेल ग्रामीण अंचलों में लोगों को स्वच्छता और सफाई का संदेश देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल आज पथरिया विधानसभा क्षेत्र के आंजनी बेलखेड़ी से ग्राम स्वराज पदयात्रा की शुरुआत की, जो कनूरा हिनौती होकर मंगरून पहुंची। यहां कलेही माता मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों के पश्चात दिवाली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं से भेंट की। चलना चाहिए, 150 लोग साथ में चले तो मुझे लगता है कि दमोह जिले की यात्राओं में अच्छी बात यह है कि 150 से ज्यादा लोग रहे और लक्ष्य दूरी के दृष्टि से तो पूरा हो गया होगा, लेकिन अभी 2 दिन और यात्राएं हैं, कल भी है परसों भी है दमोह विधानसभा में। तो मुझे लगता है कि वहाँ संख्या भी महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। 31 तारीख तो सरदार पटेल जी की जयंती का दिन, जो स्वयं प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि या तो एकता राष्ट्रीय एकात्रता थोड़ा रखें, क्योंकि हम लोग प्रतिवर्ष 31 तारीख को पैदल यात्रा करते हैं, तो इस बार वो पासा से दमोह है। वैसे लक्ष्य तो ये सतत चलने वाली बातें हैं, हम सबकी कोशिश तो ये है कि हमेशा जब भी मैंने तो ये बात कही कि मैं अपनी लोकसभा में जहाँ पर भी जाऊँगा तो कुछ किलोमीटर पैदल चलकर अपना कार्यक्रम प्रारंभ करूँगा। सर, रिसाइकलिंग जो पॉलिसी को आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे सेंटर्स नहीं बनाया है, उसे लेकर चिंता कितनी है केंद्र सरकार? नहीं, मैं इस बात की निंदा करता हूँ, जबलपुर का अनुभव अच्छा नहीं है। मैंने जब नगर निगम से पूछा तो उसी दिन उन्होंने वो सेंटर बनाया, जबकि हमारे शहरी विकास मंत्रालय ने पहले से निर्देश दिए थे कि अगर महानगर है तो कम से कम वहाँ 10 से ज्यादा सेंटर्स होने चाहिए। हमारा दमोह 1 लाख से ज्यादा की आबादी का है तो वहाँ कम से कम 2 सेंटर्स होने चाहिए। तो ये चीजें लापरवाही है, क्योंकि ऐसे में जैसे यात्री पॉलीथिन इकट्ठी कर रहे हैं, आप कहाँ लाद कर ले जाएंगे, तो रास्ते में जलाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। हम रिसाइकिल करने का प्रबंध नहीं कर पा रहे, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। सर, इसको लेकर केंद्र सरकार कोई स्कीम चलाएगी? दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।